भाई तो ऐसे बंदे जिनके धोखाधड़ी के किस्से सुनने के बाद आपका भी मन ये कहने को उतारू हो जाएगा। और सेकंड वाले में इस चाचा का दिमाग राहुल गांधी से कम नहीं था। पहले स्कूल में पढ़ते हो तो लाइक करो, और कॉलेज या जॉब करते हो तो भी लाइक करो, कमेंट में सब स्कूल कॉलेज का नाम लिखना। नंबर 1890 में ऑस्ट्रेलिया के एक बीच के किनारे चार नशेड़ी बंदों को एक वेल दिखती है। उनमें से एक साथी वेल के सड़े हुए शरीर में घुस गया था, और बाहर आने के बाद उनके शरीर के सारे जोड़ों के दर्द खत्म हो गए। और ये बात फैलते ही लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आने लगे, जिससे वेल का शिकार काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन ये अफवाह था, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं था कि उस लड़के ने पी रखी थी। नंबर 2, साल 1983 में वेंग होंगचिंग नाम के चाइनीज चाचा ने एक ऐसे लिक्विड को लोगों के सामने पेश किया जिससे पानी को पेट्रोल में बदला जा सकता था। और ये बात न्यूज द्वारा पूरे दुनिया में फैल गई थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट लालच में आकर उस पर $37 मिलियन इन्वेस्ट कर देती है। बट ये चाचा चाइनीज गवर्नमेंट को चूहा लगा रहे थे, और 8 महीने बाद पुलिस को पता चल जाता है कि इस मैकेनिज्म के वजह से ये ऐसा कुछ कर पाता है, और इस चाचा को 10 साल की जेल भी हुई थी।